प्लीज सर माफ कर दीजिए, जाने दीजिए सर, माफ कर दीजिए सर, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज जाने दीजिए सर। कहा था ना बेटा कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ से कोई बच नहीं पाया है। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले नहीं सोचा था सर, कुछ ले दे के रफा दफा कर लीजिए ना सर। क्या देगा भाई, पुलिस वाले को क्या दे सकता तू? आइए ना सर, कोने में, कोने में। अरे आइए ना सर। कैसे कैसे अश्लील इशारे कर रहा है मेरे साथ, हैं? क्या समझ रखा तू मुझे? अरे सर मैं तो आपके लिए कह रहा था, यहाँ पर रिश्वत दूंगा तो कोई देख लेगा, रील बना लेगा, सबको कंटेंट चाहिए आज के टाइम पे। आप ही के फायदे के लिए सोच रहा था सर मैं तो। सॉरी भाई, तावड़े थोड़ा सा रखो, क्या देगा भाई? हाँ ये बस 500 रुपये सर। 500 की रिश्वत दे रहा है मुझे, चल जा गए जी मेडा, मैं अपने हाथों से नहीं देता। अरे थैंक यू सो मच सर। तूने मुझे कुछ दिया बेटा, मैं भी तुझे कुछ ना कुछ दूंगा। तावड़े ये ले बेटा, ये ले भगवत गीता यथारूप। भगवत गीता? भगवत गीता देख, तूने चोरी किया, मैं तेरे को जेल में डालेगा, एक हफ्ते बाद तू निकलेगा, एक हफ्ते बाद फिर तू जेल में जाएगा, फिर निकलेगा, फिर तेरा बच्चा जेल में जाएगा, फिर उसका बच्चा का बच्चा भी जेल में जाएगा, तो तेरा पूरा खानदान जो है जेल में जाके चक्की पीसिंग करेगा। उससे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। बट तूने अगर भगवद गीता पढ़ा, अपने जीवन में उसको उतारा, तो तेरा पूरा जीवन बदल जाएगा, तेरा पूरा खानदान बदल जाएगा। राउंड मारते हुए जब मैं आऊँगा ना, तो तेरे से मिलूँगा और गीता का श्लोक पूछूंगा, अगर नहीं बताया ना तो डबल चार्जेस लगा के फिर से जेल के अंदर, समझा? चल निकल, पहली फुर्सत में निकल, चल निकल निकल। क्या दावड़े, सही किया ना? सर वो तो ठीक है सर, पर आपने रिश्वत काई को लिया सर। अरे तावड़े तू नहीं समझेगा, ये 500 रुपये अगर मैं इसका नहीं लेता तो सोच इसने कितने कितने गलत काम करके पैसे कमाए। अब इसका 500 रुपया मैंने लिया तो मैंने मंदिर में दान दूंगा, उससे भगवान की सेवा होगी, जिससे इसका भी उद्धार होगा। दूसरा जो भगवद गीता छपती है उससे इसके 500 से और गीता छपेगी, फिर और लोगों के पास हम पहुँचेंगे। तू समझता नहीं है दावड़े, दूर के फायदे के लिए छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस बनाने पड़ते हैं, समझ में आया क्या? जी सर। हरे कृष्णा। सर वो देखिए सर, एक कंडीशन सो ला रहा है। आने दो आने दो, इसका भी उद्धार कर ही दिया जाएगा। रोक इसको जरा। ए रोक रे, ए रोक, साइड में, साइड में आ, साइड लगाइए इधर। हाँ लगाइए लगाइए इधर, इसको बंद कर। बहुत जल्दी में लग रहे हैं भाई साहब आप। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तभी मैं कह रहा हूँ, ये हेलमेट यहाँ पर लगाने के लिए है या इसको सर पे लगाना चाहिए? बस बगल वाली दुकान पे जा रहा था सर, और कुछ नहीं सर। चलिए गाड़ी के डॉक्यूमेंट दिखाइए। सर आप तो वो शिक्षार्थकम वाले हैं ना? सर मैं आपके सारे वीडियोस देखता हूँ सर। अच्छा, चैनल सब्सक्राइब किया आपने हमारा? नहीं नहीं सर, मैं अभी अभी। अरे जल्दी करिए आप, डॉक्यूमेंट छोड़िए पहले, जल्दी सर चैनल सब्सक्राइब करिए। एक मिनट एक मिनट सर, 3 महीने के अंदर हम लोग को 4.5 लाख सब्सक्राइबर करना है। आप लोग वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, इतना प्रेशर हम लोग को, भाई ड्यूटी करना है, चैनल वीडियो बनाना है। चलिए डॉक्यूमेंट निकालिए, दिमाग खराब कर बोलने का। डॉक्यूमेंट तो आपके पास पूरे हैं भाई साहब, पढ़े लिखे हैं आप, पर फिर भी क्या फायदा, अज्ञानता के कारण आपने हेलमेट नहीं लगाया। आपने कल को एक्सीडेंट हो गया तो आपका, मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे बताइए आप? अरे आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप लोग को समझाना पड़ता है युवाओं को। आप जरा सोच के देखो, ये सड़क पर, इसी सड़क पर बीचों बीच तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है और तुम कुत्ते की मौत मरते हो। किसकी मौत मरते हो? कुत्ते की तरीके से करके मर जाते हो, और ठीक बगल वाली सड़क पर तुम पिल्ला बन के पैदा हो जाते हो अगले जन्म में। तो साइकिल ऑफ बर्थ देन, यहां मरे वहां पैदा, यहां मरे वहां पैदा, कोई फायदा हुआ? ये जीवन मृत्यु का चक्र ऐसा ही है मित्र, 84 लाख योनियां हैं, पैदा होते होते मरते मरते थक जाओगे। बोल मारा कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ सर। इसी तरीके से जीवन में तुम्हारे पास धनम है, जन्म है, सुंदरी है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, पर हरि भक्ति नहीं है, टोटल वेस्ट। मारा कि नहीं आ रहा? हाँ सर आ रहा है। सर इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होएगा सर? सोल्यूशन है तावड़े, हर चीज का सोल्यूशन है। जरा मेरा भगवद गीता वाला कार्ड तो निकाल।
हमारे कार्ड में हर चीज़ का सलूशन है, आप ऐसा मत सोचिए कि हम आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या से आपको बचाने वाले हैं। ये लीजिए हमारे इस्कॉन मंदिर हरे कृष्णा मंदिर का कार्ड दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ हर संडे को शाम में 5 बजे भव्य भंडारा होता है, कथा होता है, दर्शन होता है, और यहाँ आपको जन्म मृत्यु के चक्र से बचाया जाएगा। जवान महाराज नहीं आ रहा, ठीक है ठीक। और अगर आप नहीं आते हैं, कानून की आंखों में अगर धूल झोंकने का प्रयास करते हैं, तो याद रखिएगा सिम्हा सिंघम सूर्या सब अपने भाई दोस्त हैं, सबको लेकर आपके घर पे रेड मरवा दूंगा। तवड़े इसका नाम पता एड्रेस सब कुछ नोट कर ले, और अगले संडे में क्लास में दिखना चाहिए ये। चल रे नाम और नंबर बता। आला रे आला, आला सिम्हा। सर सर कहाँ है मेरा बेटा? सर मेरा बेटा कहाँ है सर? मुझे कॉल आ रहा है यहाँ से। कहाँ है सर? कहीं वही तो नहीं है आपका बेटा जो पीछे बैठा हुआ है? हाँ क्या वो सर इसको? यही है। पता है आपके सुपुत्र ने क्या किया है? 20 सड़क के बीचों बीच गाड़ी के सामने कूद कर सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया है इसने। क्या पुलिस वाले सबके बच्चों की जिम्मेदारी रखे? सर मैं क्या बताऊँ आपको सर, मैं परेशान हो गया उस लड़के से, जब देखो तब इसको मरने की पड़ी रहती है। पता नहीं किस लड़की के प्यार में पागल हो गया ये। कभी जहर खा के मरने की कोशिश करेगा, कभी कभी पंखे पर लटक जाएगा, और आज आज ने गाड़ी के आगे कूद करके सुसाइड करने की कोशिश की है। क्या हो गया तुझे? हाँ बोलता क्यों नहीं है? ओए हीरो, ओए रोमियो, तेरा बाप हम सबके सामने रो रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही है? 6 महीने के इंस्टाग्राम के प्यार के लिए सुसाइड करने जा रहे हैं, वाह जी वाह। चुप, तुझे यह पता मेरे साथ क्या हुआ है? क्या जानते हैं तुम प्यार के बारे में? चुप रे। हाँ भाई सही बोला, अपने को क्या पता कि प्यार क्या होता है, बस खाना खाया ड्यूटी किया और सो गया, ऐसे ही जानवरों की माफिक अपना जीवन चल रहा था। फिर एक दिन अपने मोहल्ले में नगर संकीर्तन आया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इतने सारे भक्तों को देखकर अपुन चक्कर में आ गया। रे देवा रे देवा, भगवान को देखकर तो आनंद आ गया। आइला क्या दर्शन थे वो क्या कहते हैं, आंखें थी उनकी बड़ी बड़ी, सर पे था मोर पंख, हाथों में मुरली, दीवाना हो गया वहीं के वहीं। हरि बोल हरि बोल होता है। देखो बेटा, अगर तुम्हें प्यार करना ही है तो ठाकुर जी से प्यार करो, क्योंकि ठाकुर जी का ही प्रेम नित्य है, शाश्वत है, शुद्ध है, और उनके प्रेम की पूरी 100% गारंटी है। बाकी सबसे तुम प्रेम करोगे वो टेम्पररी है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मेरी मानो तो एक बार ठाकुर जी के साथ अपना रिश्ता जोड़ के देखो। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपकी वजह से मेरा बेटा कितने दिनों के बाद मुस्कुराया है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो प्यार की डेफिनेशन इसको बताई है ना, इसके लिए आपको सैल्यूट करने का मन करता है सर। अरे नहीं नहीं आप ऐसा सैल्यूट मत करिए, ये मैं आपको भगवद गीता देता हूँ, भगवद गीता यथारूप है ये, आप अपने बेटे को जरूर पढ़ाइएगा और आप भी पढ़िएगा, आपके बेटे को और अच्छा लगेगा, ठीक है? रोको 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 भाई, हम लोग हाथ दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा तुझे? नहीं सर मैं देख लिया सर मैंने। तो रुकना ना। हाँ हाँ सर, चल सीधा चल। कहाँ सर कहाँ? सर ए, सीधा ले ले यार। अरे सर क्या, मैंने तो कुछ करा भी नहीं सर, मैंने तो कोई सिग्नल विग्नल नहीं तोड़ा सर, मैं हेलमेट भी लगा के घूम रहा हूँ सर। अरे यार मैं बेवकूफ में कह रहा हूँ कि मंदिर में संध्या आरती का समय हो रहा है, मेरी आरती छूट जाएगी यार, जल्दी चल आरती छोड़ो।
क्या अलग ही भक्ति गिरी चल रही है इन लोगों की यार, क्या हो रहा है ये? अरे 10,000 साल तक गोल्डन पीरियड चलने वाला हमारा समय है, चल 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 चल। हरे कृष्णा। अगर आपको हमारी ये भक्ति गिरी अच्छी लगी है तो उसके बहुत सारे एपिसोड हमने प्लान कर लिए हैं, बहुत तरीके के एपिसोड आने वाले हैं। उसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना, इस वीडियो को खूब शेयर करके व्यूज दिलाने और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टारगेट है 4.5 लाख हमें सब्सक्राइबर तक पहुंचने में। साथियों आप हमारी मदद करें, बिकॉज आप ही हमारे माई बाप हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं, हमारी फैमिली आप ही हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो आप हमें प्लीज फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन में दें, ताकि हम इस प्रकार के कार्य को जारी रख सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।